सीनियर सिटीजन काउंसलिंग हमीरपुर आपदा राहत कोष में 21 लाख रुपए दान करेगी। संस्था यह राशि विधायक आशीष शर्मा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के हमीरपुर, बिलासपुर या ऊना जिले में होने वाले आगामी दौरे के दौरान भेंट करेगी। सोमवार को सीनियर सिटीजन काउंसलिंग हमीरपुर के पदाधिकारियों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर विधायक आशीष शर्मा के कर कमलों से इस राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हमीरपुर में मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ सीनियर सिटीजन काउंसिल का, जिन्होंने आज मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था हॉस्पिटल में, और मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने उस मीटिंग में डिसाइड किया कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष में, जो कि ये आपदा की घड़ी प्रदेश में आई है, इसमें करीब 21 लाख रुपये का योगदान जो है वो अपनी ओर से करेंगे। और जब भी मुख्यमंत्री महोदय का दौरा हमीरपुर, ऊना या बिलासपुर नज़दीक कहीं भी होगा तो ये चेक जो है उनको भेंट किया जाएगा। मैं पूरी संस्था का, सीनियर सिटीजन्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना के टाइम में भी वो बढ़ चढ़ के आगे आए और उन्होंने अपनी सेवाएं लोगों के लिए दी। उस समय भी मेरे ध्यान में जो बात है, करीब 11-1 लाख रुपये उन्होंने DC के माध्यम से कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए दिया। मैं इस नेक कार्य के लिए, जो इन्होंने आज भी अपने कदम आगे बढ़ाए इस आपदा की घड़ी में प्रदेश के लिए 21 लाख रुपए का जो योगदान दिया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं इनका तहे दिल से अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी। और आगे भी इस तरह से नेक कार्य ये करते रहें, यही भगवान से कामना भी करता हूँ, और इन सब हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम पे बना रहे और नेक कार्यों के लिए हम आगे बढ़ चढ़ के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अच्छा, 15 जुलाई को हमारी जनरल ऑफ की मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने डिसाइड किया था 21 लाख रुपये का चेक जो हम मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में देंगे। तो हमने ये डिसाइड किया था, ये जो पैसा है हम जो हम देंगे वो देंगे, जो हमारे लोकल विधायक आशीष शर्मा जी है उनके माध्यम से देंगे। जब भी मुख्यमंत्री हमीरपुर में आएंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो इनके साथ मिलकर हम जो उनको चेक जो सौंप देंगे।